गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग इस क्लिप को अच्छे तरह से सुने समझें और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कृपया कर वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल्स को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो निश्चित रूप से चैनल्स को सब्सक्राइब करें। पावर ट्रांसफार्मर एवं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का संरचना लगभग एक समान होता है। पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के क्षमता और उनके प्राइमरी तथा सेकेंडरी क्वाइल्स के कनेक्शन अलग होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझ सकते हैं कि पावर ट्रांसफार्मर का केवीए इफिशिएंसी, केवीए क्षमता 2 केवीए से प्रारंभ होकर 20 केवीए तक प्रयोग किया जाता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 5 केवीए से 2 केवीए तक के प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा पावर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में स्टार कनेक्शन तथा सेकेंडरी में डेल्टा कनेक्शन प्रयोग किए जाते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में डेल्टा कनेक्शन और सेकेंडरी में स्टार कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में स्टार कनेक्शन होने के कारण हम लोग सिंगल फेज और 3 फेज प्रकार के सप्लाई को प्राप्त आसानी से कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस ट्रांसफार्मर में क्या क्या मुख्य चीजें होते हैं, जैसे क्रोड, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, ऑयल टैंक, ट्रांसफार्मर ऑयल, कूलिंग पाइप, ऑयल इनलेट वाल्व, ऑयल आउटलेट ड्रेन कॉक, ऑयल गेज, प्राइमरी टर्मिनल्स, सेकेंडरी टर्मिनल्स, अर्थ पॉइंट, डाटा प्लेट, एक्सप्लोजन बैंड, कंजर्वेटर, ब्रीदर, सिल्का जेल, टैपिंग स्विच, ब्लॉक रिले, टेम्परेचर मीटर। अब हम लोग वन बाय वन इन सभी के बारे में, इनका क्या वर्क है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मुख्य पॉइंट है नंबर 1, कंजर्वेटर। कंजर्वेटर ट्रांसफार्मर के बॉडी के सबसे ऊपर एक ट्यूबुलर टाइप के डब्बे के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ऑयल गेज मीटर भी लगा होता है तथा यह ट्रांसफार्मर के तेल के स्तर को, ऑयल के स्तर को एक समान बनाए रखने का काम करता है। अर्थात जब ट्रांसफार्मर का ऑयल गर्म होता है तो इसमें बढ़ा हुआ तेल चला आता है और जब तेल ठंडा हो जाता है तो इसके द्वारा वह तेल पुनः टैंक में चला जाता है। ब्रीदर, ब्रीदर इसका कार्य तेल में नमी को जाने से रोकना है। इसमें सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है जो सफ़ेद रंग का होता है तथा नमी सोखने के बाद प्रायः इसका रंग नीला या गुलाबी हो जाता है। टेम्परेचर मीटर, यह सुरक्षा के दृष्टि से ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है। इसका कार्य टेम्परेचर को मापना है जिससे जरूरत पड़ने पर जब ट्रांसफार्मर अत्यधिक गर्म हो तो हम लोग ट्रांसफार्मर का सप्लाई काट सकें, ऑफ कर सके। नेक्स्ट है एक्सप्लोजन बैंड।
एक्सप्लोजन वेंट का प्रयोग भी हम लोग सुरक्षा के दृष्टि से करते हैं, क्योंकि जब तेल अत्यधिक गर्म हो जाता है तो उसमें गैस काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न होता है, फलस्वरूप तेल का टैंक, मेन टैंक फटने की संभावना भी रहती है। इसलिए एक्सप्लोजन वेंट का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा गैस आसानी से बाहर निकल जाता है और हम लोग का ट्रांसफार्मर सुरक्षित रह जाता है। यह ठीक उसी प्रकार से कार्य करता है जिस प्रकार से हम लोग के प्रेस घर में प्रयोग होने वाले प्रेशर कुकर में कार्य करता है। इसका दूसरा नाम प्रेशर रिलीज वाल्व भी है। नेक्स्ट टर्म है ब्लॉक्स रिले। यह सुरक्षा के दृष्टि से ही इसका भी प्रयोग किया जाता है। इसमें दो अवस्थाएं होती है। इसमें मरकरी स्विच का प्रयोग किया जाता है जो तेल के गर्म होने के साथ ही ऑन होते हैं। पहला स्विच जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्य करता है, जैसे ही यह स्विच कार्य करता है इस स्विच से लगा अलार्म बजने लगता है, तथा दूसरा स्विच 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर कार्य करता है। इस अवस्था में यह सर्किट ब्रेकर के समान कार्य करता है और ट्रांसफार्मर को सप्लाई से अलग कर देता है। इसके अलावा डाटा प्लेट, जिस पर उस ट्रांसफार्मर के सभी इंफॉर्मेशन नोट होते हैं, इस प्रकार हम लोग पावर ट्रांसफार्मर एवं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में आज डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांसफार्मर में प्रयोग होने वाले कॉइल का कनेक्शन के आधार पर ट्रांसफार्मर का किस प्रकार वर्गीकरण किया जाता है, इसका डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमारे द्वारा लोड किया हुआ कोई भी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। थैंक यू।